तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिश वर्ल्ड। तो आज का मेरा टॉपिक है गाइस कि आपका जो एक मन में सवाल है, आप गोल्ड फिश ला रहे हो लेकिन जल्दी मर जा रही है, ग्रोथ नहीं लगा, अगर बच भी जाती है तो ग्रोथ नहीं ले रही जल्दी से, आप गोल्ड फिश क्यों लाते हो? भरा होगा, अट्रैक्शन खींचेगा लोगों का, एक्वेरियम में देखने को अच्छा मिलेगा लेकिन ग्रोथ नहीं ले रहा है, जल्दी से मर जा रहा है। तो ये गोल्ड फिश का एक ऐसा चीज़ है, गोल्ड फिश एक ऐसी मछली है, अगर आप अच्छे से टेक केयर नहीं करते हो तो ऐसा हो सकता है कि नेसेसरी है, होगा ही। तो आज मैं बताने वाला हूँ गोल्ड फिश का फुल केयर, आप कैसे केयर कर सकते हो गोल्ड फिश को और जल्दी ग्रोथ लेगा, तो कौन से टिप्स आपको फॉलो रखना पड़ेगा इस वीडियो में पूरा है, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो पहली चीज़ गाइस, वाटर क्वालिटी। अब वाटर क्वालिटी आपको अच्छा रखना ही होगा। अभी ये मैं बात करूँ तो एक हफ्ते में आप 20% वाटर निकाल के 20% ऐड कर सकते हो, या फिर 15 दिन में भी कर सकते हो, और एक महीने के अंदर आप साइफ़ून कर देना होगा। ये नीच का जो पत्थर है उसमें आप पाइप मतलब पुट करके पूरा साइफ़ून कर दीजिएगा, तो मछली का जो पानी में अमोनिया भर जाता है तो वो मेंटेन रहेगा। तो एक है तो वाटर क्वालिटी बहुत मेन है गोल्ड फिश के लिए, और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑक्सीजनेशन। दिन रात आपको ऑक्सीजन चालू रखना पड़ेगा क्योंकि गोल्ड फिश एक ऐसी मछली है, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन हो गया, और थर्ड होता है खाना, कैसा खाना आप अफोर्ड करते हो या कौन सी क्वालिटी में आप खाना दे रहे हो। तो गोल्ड फिश का एक खाना है जो मार्केट पे आपको मिल जाएगी 3-in-1, वो बेस्ट खाना होता है गोल्ड फिश के लिए, ठीक है, एकदम बेस्ट खाना। अभी आप खाने में कोई क्वालिटी मतलब अलग भी देख सकते हो, खाना ब्लड वॉर्म भी देख सकते हो। मैं जो है मेरे गोल्ड फिश को ब्लड वॉर्म चालू रखता हूँ खाने के लिए, ऑप्टिमम चालू रखता हूँ, और कभी कभी जो है ड्राई वॉर्म जिसको कहते हैं वो भी मैं दे देता हूँ, इसलिए गोल्ड फिश का बहुत अच्छा हेल्थ है, देख ही सकते हो कितने एक्टिव है। तो यही है गोल्ड फिश का एक बेसिक चीज़। और आप बहुत जो पहले गोल्ड फिश लाते हो वो सोचते हो जल्दी खिलाऊंगा, जल्दी बड़ा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई ज़्यादा खाना दे आप डाइजेस्ट कर सकते हो नहीं ना, तो गोल्ड फिश भी कैसे करेगी। ऐसे ही ये अगर बेसिक आप फॉलो रखते हो तो गोल्ड फिश आपकी बहुत जल्दी ग्रोथ लेगी। मैं मेरे टैंक में वीडियो भी रखा हूँ, ज़ेब्रा रखा हूँ, ये देखिए मैं ब्लड वॉर्म भी देता हूँ। मैं ब्लड वॉर्म सुबह के टाइम पे देता हूँ, ठीक है, और दोपहर को ड्राई फ्रूट देता हूँ। ड्राई फ्रूट मतलब मेरे पास ये ड्राई फ्रूट है, मतलब ये ऑक्यूको प्लैटिनम नहीं है, ये मेरे फ्लावर ऑन के लिए। इधर है ऑप्टिमम 3-in-1 मिक्स है, हम्पी 8 भी है थोड़ा ग्रोथ के लिए, ये देता हूँ। और मेरे पास और एक भी खाना है जो कि मिक्स है ऑप्टिमम है, गोल्ड फिश का और एक खाना मिलता है, वो थोड़ा मिक्स करके मैं देता हूँ। मैं थोड़ा मतलब चेंज करता हूँ खाना, मतलब क्वालिटी अगर फिश की अच्छी कलरेशन लगेगा आपको, आप लाना चाहते हो तो क्वालिटी खाना आपको देना ही होगा, ठीक है। तो यही है गोल्ड फिश की बेसिक चीज़। और ज़्यादा खाना गाइस नहीं देना है, थोड़ा सा क्वालिटी में देना है। देखिए मैंने गोल्ड फिश मेरे हाथ में लिया, कितना अच्छा कलरेशन है देख ही सकते हो, ये देखो कितनी अच्छी क्वालिटी में कलर आया, जम कर दिया, ये देखो कितना अच्छा क्वालिटी में है गाइस। फिंस भी है जो बहुत बड़ा हो रहा है, ये मैं बहुत छोटा नहीं, थोड़ा सा इससे मतलब आधा लेके आया था, अभी इसका महीना है दो या तीन महीना। मिल्की भी है मेरे पास, मैं और एक गोल्ड फिश पकड़ता हूँ। आ जा, फिर वही दिखाता हूँ आपको अच्छे से, ये देखो अभी कलर लाइट में बहुत अच्छा लग रहा है, देखो कलर देखो कितना अच्छा कलर है गाइस, ठीक है, बहुत अच्छा कलर है। अगर वीडियो गाइस इतना ही है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो, लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि एक्वेरियम फिश के बारे में हर अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, कौन सी मछली कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, एवरी वीडियो मेरे चैनल पे आने वाला है। और मेरा अगले वाला जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो कौन सा इंटरेस्टिंग चीज़ है अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।